केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लास 10 का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, और ये जो है क्लास 11th एंट्रेंस जामिया मिलिया इस्लामिया और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम कम से कम 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। 3 से 4 पार्ट आपका मिशन जामिया चैनल पे आएगा, अपलोड होगा वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन लिखा है, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स मेकिंग ऑफ द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ये कह रहा है कि या तो बॉन्ड जो है टूटे या बने एटम्स के, या तो बॉन्ड जो है या तो टूटे या बने उसके बीच में और प्रोड्यूस हो जाए नया सब्सटेंस, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस द प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट जो है कन्वर्टेड हो जाए एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, उसे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, यानी कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट जो है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्टेंट का मैं बता रहा हूँ, कन्वर्ट हो जाए एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जो है देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, नेमली फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो है आपका दो टाइप का होता है, एक फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से पढ़ेगा, और ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। मुझे आज भी याद है क्लास 11th एंट्रेंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा था, ये इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन आता है, और उसमें क्या क्वेश्चन आता है मैं वो भी बता दूंगा आपको। देखिए, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना जो है वो आपका फिजिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या आपका केमिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी कर्ड यानी दही, आपने देखा होगा दही का जो बनना है वो केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगा, लेकिन आप पहले एक बार देख लीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज होता है, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो होता है केमिकल चेंज होता है। आपसे एक सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है? यानी जो आप मोमबत्ती देखे होंगे ऐसे, तो ये जो कैंडल को मैं जला दे दूँ, तो जलाने के बाद आप बताइए कि ये फिजिकल चेंज होगा इसमें प्रोसेस, या केमिकल चेंज होगा, या दोनों होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है आपका, वो चेंज इन टेम्पररी, वो टेम्पररी चेंज होता है। अब क्यों क्या आ गया है इसके, क्योंकि जैसे आपने ये देख सकते हैं, ये आइस है, आइस जो है मेल्ट हुआ, पिघल गया, वाटर बन गया, और फिर अगर हम चाहें उसी वाटर को फ्रिज में डाल कर फिर से हम आइस बना सकते हैं, यानी वो चीज़ जो दोबारा रीजनरेट कर दें उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं केमिकल चेंज में क्या है, चेंज इन परमानेंट, यानी वो चेंज जो फिर बदलाव ना हो, रीजनरेट ना हो। तो जैसे केमिकल चेंज में देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे मान लीजिए आपको रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं समझ में आया, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देख लीजिए। जैसे हमने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आप कर्ड को यानी दही को फिर से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल है, अब ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज जो होता है ये एक नया फॉर्मेशन देता है, रिएक्शन के बाद एक नया फॉर्मेशन दे देता है, और फिर वो क्या होता है, कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, अ देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें देखिए, इसमें होता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और विथ एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
पॉइंट नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं, चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब चेंज जो है आप देखिए, आप आइस को वाटर में बदल सकते हैं और फिर वाटर को आइस में बदल सकते हैं, तो ये एक तरह से फिजिकल मेथड हो गया। ये क्या होता है, एक बार जो आप चेंज कर लिए तो फिर उसको दोबारा रिजनरेट कर सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में देखिए, चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब देखिए, एक बार जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब चेंज हो जाता है तो फिर उसके बाद वो फॉर्मेशन रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे आपने मिल्क में कर्ड में बना लिया, तो कर्ड को फिर से मिल्क बनाओ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब इनर्जी जो है, देखिए फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, फिजिकल चेंज का देखिए इसमें क्या होता है। फोर्थ पॉइंट, इनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। इनर्जी जो होता है इसमें ना तो एब्जॉर्ब होता है और ना ही रिलीज होता है, लेकिन केमिकल चेंज में इनर्जी जो होता है वो रिलीज भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है, इनर्जी रिलीज भी होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो ये आपका रहा फिजिकल और केमिकल चेंज। अब हम आगे है नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने जो आपका क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या दोनों है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जो बच्चे डिप्लोमा और रिलेवेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।